नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही सेना आतंकियों के सफाया के लिए एक के बाद एक फैसला ले रही है, क्योंकि जिस तरह से स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की थोक मंडियों के आतंकवादियों ने दशकों तक खून खराबा और दहशतगर्दी का माहौल बनाए रखा था, अब उसका जल्द ही खात्मा होने वाला है। इन सब बातों के बीच अब कश्मीर घाटी में पहली बार तीनों सेना मिलकर कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे पाकिस्तान हुक्मरान से लेकर वहां की आतंकी तंजीमों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। कश्मीर घाटी में तीनों सेनाएं क्या करने जा रही हैं, ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 का अंत होने के साथ ही ये साफ हो गया था कि अब जल्द ही घाटी से पाकिस्तान परस्ती आतंकवादियों का भी खात्मा होने वाला है। कोई भी ऐसा दिन खाली नहीं जाता है जिस दिन सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को मौत के घाट न उतारते। लेकिन अब कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्पेशल फोर्स की तैनाती की जा रही है। इस अभियान में तीनों सेनाओं की एलिट इकाई आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेज, नेवी के मरीन कमांडोज यानी कि मार्कोस और एयरफोर्स के गरुण स्पेशल फोर्स को तैनात किया जा रहा है। ये तैनाती रक्षा मंत्रालय के नवगठित आर्म फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के तहत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि श्रीनगर के नजदीक आतंकियों के हॉटबैंड माने जाने वाले इलाके में पैरा स्पेशल फोर्सेज की तैनाती पहले ही की जा चुकी है और अब जल्द ही मार्कोस और गरुड़ को आतंकरोधी अभियान में तैनात किया जाएगा। नेवी के मार्कोस और आईएफ की गरुड़ की छोटी टीमें कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब तीनों सेनाओं का संयुक्त अभियान होगा। दरअसल मार्कोस को वुलर झील के इलाके में तैनात किया जा रहा है, जबकि गरुड़ की टीमें लोलाब और हाजिन में तैनात की जा रही हैं। बता दें कि एयरफोर्स स्पेशल फोर्सेज का कश्मीर घाटी में अभियान काफी सफल रहा, क्योंकि इसने ऑपरेशन राख हाजिन में एक बार में 6 आतंकियों को मार गिराया था, जिस अभियान के लिए कॉर्पोरल जेपी निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था। खैर, कुछ भी हो, मगर जिस तरह से पहली बार कश्मीर घाटी में तीनों सेनाएं आतंकियों के खात्मे के लिए संयुक्त अभियान चलाने जा रही हैं, उससे साफ है कि अब जल्द ही घाटी से पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का अंत होने वाला है। जिस तरह से तीनों सेनाएं घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।